प्रभु श्री राम की नगरी यानी अयोध्या में राम मंदिर अब रूप लेने लगा है। सदियों से जिस पल का इंतजार में लोग बैठे थे, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म होती नजर आ रही है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मयूरी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। राम मंदिर जिसके दर्शन के लिए लोग एक दशक से नहीं बल्कि एक सदी से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि राम मंदिर अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रभु श्री राम के जल्द होंगे दर्शन, कण कण में बसे राम, खत्म होने जा रही इंतजार की घड़ियां। अद्भुत अलौकिक राम के होंगे दर्शन। अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर का 50% काम पूरा कर लिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के एक सदस्य ने ये जानकारी दी है। बताया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर क्रेन टावर से पत्थरों को उठाकर यथास्थान रखने में कठिनाई हो रही है। अब इस राम मंदिर निर्माण को बीजेपी एक तरफ सिर्फ आस्था का मुद्दा बता रही है, लेकिन चुनावी जानकार मानते हैं कि पार्टी 2024 तक मंदिर के द्वार खोल लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को बड़ा संदेश देना चाहती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार राम मंदिर के निर्माण पर 1,800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रविवार को अयोध्या में कहा था कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार और उनके सुझावों के बाद एक बैठक में ट्रस्ट के नियमों और उपनियमों को अंतिम रूप दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार को मीडिया के जरिए देश दुनिया को राम मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 60% पूरा हो गया है। आज से ठीक एक साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और दो मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान, दो भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में, ये दो मंडप है, उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग 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 रखे गए हैं पहचान करने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2024 मकर संक्रांति तक भगवान रामलला की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। चंपत राय ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रथम तल का निर्माण कार्य अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपने तय समय सीमा से पहले बनकर तैयार होगा। मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहा है। लगभग 60% कार्य अब तक पूरा कर लिया गया है। हालांकि जनवरी 2024 में मंदिर के गर्भगृह का कार्य पूरा कर भगवान को स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला की मूर्ति 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के बालक स्वरूप में होगी। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।